राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। वाई नॉट लैंडस्लाइड के चौथे दिन शुक्रवार को एक अच्छी खबर आई। वन अधिकारियों ने 8 घंटे के ऑपरेशन में एक दूर दराज आदिवासी इलाके से 4 बच्चों समेत 6 लोगों का रेस्क्यू किया। बच्चे 1 से 4 साल के हैं। पानिया समुदाय का यह आदिवासी परिवार पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में फंसा था। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कलपेट्टा रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर हशीस ने बताया कि हमने एक माँ और 4 साल के बच्चे को जंगल के पास भटकते देखा। पूछताछ में उसने अपना नाम शांता बताया। उसने कहा कि वे लोग चूरुमाला जो बस्ती है उसमें रहते थे। उसके 3 और बच्चे, उनके पिता भूखे प्यासे पहाड़ी पर एक गुफा में फंसे हैं। हशीस ने बताया, वाइनाट में लैंडस्लाइड वाले दिन शांता अपने बच्चे के साथ जंगल में दिखी, लेकिन उसने कहा कि वह सिर्फ घूम रही है। हमें पता था वे भूखे थे और जंगल में अंदर जाने की तैयारी में थे। 2 दिन बाद वे लोग फिर दिखाई दिए। इस बार वे हमें देखकर भागे नहीं, उनकी हालत भूख से खराब हो चुकी थी। पूछने पर शांता ने बताया कि उसका परिवार पहाड़ी पर एक गुफा में फंसा हुआ था। हमने 4 लोगों की टीम बनाई। भारी बारिश के बीच फिसलन भरी खड़ी चट्टानों से लेकर हमने 4 लोगों की टीम बनाई भारी बारिश के बीच फिसलन भरी और खड़ी चट्टानों से होकर टीम ने 8 घंटे की कोशिश के बाद इन्हें निकाला। फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़ने के लिए पेड़ों से रस्सियां बांधनी पड़ी। जब हम गुफा के पास पहुंचे तो 3 बच्चे और 1 शख्स वहां बैठे हुए थे। हमने उन्हें अपने पास बुलाया, वे सामने नहीं आ रहे थे। काफी समझाने के बाद उनके पिता हमारे साथ आने के लिए राजी हो गए। हमारे पास सिवाय रस्सी के कुछ नहीं था। एक चादर के 3 टुकड़े करके हमने बच्चों को अपने शरीर से बांध लिया और वापस अपनी यात्रा शुरू कर दी। केम तक आने में करीब 4.5 घंटे लग गए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।